हेलो एवरीवन। तो गाइस फाइनली हमारे पास MI बैंड 4 जो है वो आ चुका है। इसको आने में 20 दिन लगे हैं। इसको मैंने banggood.com से ख़रीदा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बैंड को लेके, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और कमाल की स्पेसिफिकेशन ये दे देता है। क्योंकि MI बैंड 3 के बाद ही MI बैंड 4 जो है काफ़ी मेजर अपग्रेड के साथ आया है। जैसे कि इसमें आपको कलर डिस्प्ले मिलता है, हार्ट रेट सेंसर है इसका बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हुआ है, बैटरी लाइफ इंप्रूव्ड हुई है, वाटर प्रूफ है और भी अलग अलग फंक्शनैलिटी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास ऑलरेडी थे इस बैंड को लेके, क्योंकि मैं MI बैंड 4 की वीडियो बना चुका था कि इसका क्या प्राइस होगा, इंडिया में कब आएगा, तो जिस पे आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और ऑनर बैंड 4 की भी मैंने वीडियो बनाई थी तो उस पे भी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैं इस बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग और इसका जो ओवरव्यू सेटअप वगैरह जो है वो मैं बताने वाला हूँ और अलग अलग जो फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कर देता है उसके बारे में बता दूंगा। तो गाइज बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइज मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस तरीके का बॉक्स जो है हमें देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ हमें MI बैंड 4 का इमेज मिलता है और उसी के नीचे 4 लिखा गया है और पूरे बॉक्स में जितना भी कंटेंट है वो पूरा चाइनीज़ में है। तो मैंने गूगल लेंस की मदद से थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है। तो इसमें आपको कलर डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन वगैरह जो है आप अपने बैंड में ही देख सकते हैं। और इसमें जो स्लीप ट्रैकिंग मिलता है वो MI बैंड 3 से इम्प्रूव स्लीप ट्रैकिंग मिलता है। उसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है और ये 135 mAh बैटरी को सपोर्ट करता है। तो गाइस फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा MI बैंड 4 जो पॉलिथिन में रैप है, इसको अभी हम साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कि और बॉक्स में क्या मिलता है। तो ये है इसकी चार्जिंग ट्रे, मैनुअल कार्ड वगैरह मिलते हैं, उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बड़ी सी गाइड बुक आपको मिल जाती है जिसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है कि किस तरीके से आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करना है। तो उस सब के आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वो सब जो है बताने वाला हूँ। फटाफट से हमारे बैंड को बाहर निकाल लेते हैं। तो बैंड जो है इस तरीके का देखने को हमें मिलता है। तो गाइस जो उसका स्क्रीन डिस्प्ले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिल जाएगा। MI बैंड 3 में जो उसका स्क्रीन डिस्प्ले था वो राउंड शेप में था, लेकिन ये जो है फ्लैट में मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको जो है अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कनेक्ट होता है। तो गाइज MI बैंड 4 को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपको MI फिट की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो फर्स्ट टाइम जब आप अपने बैंड को बूट करेंगे तो यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में लिखा रहेगा, तो उसका टेंशन ना ले। आप जैसे ही अपने बैंड को अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेंगे तो ये पूरा इंग्लिश में जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पे जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको उस पर टैप करना है, उसके बाद बैंड पर टैप करना है और कुछ परमिशन वगैरह जो है आपको देनी है। उसके बाद ये सर्च करेगा, यानी कि आपके बैंड को सर्च करेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा कि आपको कन्फर्म करना है बैंड को कि आपको कनेक्ट करना कि नहीं करना है। तो बस आपको जो है टैप कर देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जो है ये लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि जो पहले चाइनीज लैंग्वेज थी तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट होकर इंग्लिश हो गई है। तो ये जो है आपकी रिस्टोर करेगा लाइक सेटिंग वेटिंग या फिर एक छोटा सा अपग्रेड जो है ये करता है, यानी कि फर्मवेयर को ये अपडेट करता है। उसके बाद ये नॉर्मली रिस्टार्ट हो जाएगा और आपका जो बैंड है वो आपकी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो गाइस MI बैंड 4 में जो सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है वो इसके डिस्प्ले में ही हुआ है, क्योंकि इसमें आपको कलर्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये जो डिस्प्ले का साइज़ है वो 39% लार्जर हुआ है अगर मैं कंपेयर करता हूँ MI बैंड 3 से। उसके साथ साथ इसका जो टच रिस्पॉन्स है मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि बहुत ही स्मूथ जो है आपको टच रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रैप की, तो गाइज इसका जो स्ट्रैप है वो नॉर्मल वाला ही स्ट्रैप है, यानी कि जो MI बैंड 3 में था वही स्ट्रैप आपको इसमें मिलेगा। उसके साथ अगर पीछे अगर मैं बात करूँ तो आपको हार्ट रेट सेंसर वाला जो है सेंसर देखने को मिलेगा, और ये जो सेंसर है काफ़ी इंप्रूव सेंसर है एज कम्पेयर टू MI बैंड 3, और ये जो है 24/7 चल सकता है। उसके साथ साथ इस सेंसर में एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई है, वो ये कि अगर आपका हार्ट रेट जो है BPM अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये जो बैंड है आपको अलर्ट कर देगा कि भाई बहुत ज़्यादा आपका हार्ट रेट जा रहा है। अब देख लेते हैं कि इस बैंड में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है वो स्टेटस का मिलता है, यानी कि इस पर आपको मिलेगा कि भाई आपने कितने स्टेप्स चले हैं, क्या डिस्टेंस आपने कवर करी है, कितनी कैलोरी बर्न करी है। तो इस तरीके का जो है आपको फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। अगर आपको बैक जाना है तो आपको जो है लेफ्ट साइड से स्वाइप करना होगा और आप बैक जा सकते हैं। और बैक जाने का एक और ऑप्शन है, ये आप बटन देख रहे हैं, ये टच वाला बटन है, इसको आपको प्रेस कर देना है और आप बैक चले जाएंगे। उसके बाद अगर मैं स्वाइप अप करता हूं तो आपको यहां पे हार्ट रेट वाला जो है ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। उसके बाद जो है पीछे इसका सेंसर जो है ऑन हो जाएगा, यानी कि हार्ट रेट के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को फटाफट से एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये हार्ट रेट करता है। तो आपको सबसे पहले ऑन कर लेना है, उसके बाद ये जो है इस तरीके से हार्ट रेट लेने लगेगा।
तो गाइस 108 इस मेरा जो है अभी के टाइम पे BPM है, आई थिंक ये ज़्यादा है थोड़ा, बट इट्स ओके, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपना हार्ट रेट BPM के थ्रू जो है मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं स्वाइप अप करता हूँ तो आपको यहाँ पे वर्कआउट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सब मेन्यूज़ मिलेंगे। बात करते हैं सबसे पहले वाले मेन्यू यानी कि आउटडोर रनिंग की। तो ये जो है आपको GPS से इनेबल करेगा, यानी कि इसमें जो है आप GPS के साथ साथ आप अपने आप को लोकेट कर सकते हैं और आपके जो एप्लीकेशन पे जो है आपकी पूरी लोकेशन मेजर हो जाएगी। उसके अलावा इसको आप अगर ऑन करते हैं तो इस तरीके से 3-2-1 करके स्टार्ट हो जाएगा और ये वाइब्रेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा कि भाई आपकी आउटडोर रनिंग की जो है टाइम स्टार्ट हो गया है, और इसमें आपको हर चीज़ जो है देखने को मिल जाएगी, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितना क्या पेस से आप भागे हैं, हार्ट रेट आपका क्या रहा है। तो इस तरीके की जो पूरी फंक्शनैलिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर आपको बैक जाना है तो आपको लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा, और ये बोल रहा है कि अगर आपको पॉज करना है तो आपको इसको जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो पूछेगा कि आपको पॉज करना है या स्टॉप करना है। जैसे ही आप स्टॉप करेंगे तो आपका जितना भी डेटा है वो आपकी एप्लीकेशन में स्टोर हो जाएगा, जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं। उसी की तरीके से जो है आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि ट्रेडमिल वाला ऑप्शन मिलता है, साइकिलिंग का ऑप्शन मिलता है, वॉकिंग का ऑप्शन, एक्सरसाइज और पूल स्विमिंग मिलता है, यानी कि ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, तो जिसका डेमो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाने वाला हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ दूसरे इसके ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको वेदर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज ये भी वेदर वाला ऑप्शन है, काफ़ी कमाल का है, आपको लाइव जो है वेदर बताएगा, जो भी आपके मोबाइल में वेदर चल रहा है यानी कि इंटरनेट से सिंक है वो आपको वेदर यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपको कल का, परसों का, इस तरीके का जो है वेदर भी आपको ये दिखा देगा। उसके बाद हमें मिलता है नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी कमाल का है, क्योंकि इसमें जो है आपको पहले थर्ड पार्टी से जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है उनको इनेबल करना पड़ेगा नोटिफिकेशन। तो अगर आपके व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम किसी पे भी जो है आपके नोटिफिकेशन आते हैं तो वो जो है आप डायरेक्टली इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, और जनरली बता रहा हूँ गाइस, आप पूरा का पूरा व्हाट्सएप का मैसेज जो है आप इस पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट ऑप्शन की, तो वो आपको मिलता है मोर वाला ऑप्शन। इसमें अलग अलग तरीके के जो है हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन D&D ऑप्शन है, यानी कि आप अपने फ़ोन वगैरह को जो है D&D में डाल सकते हैं। उसके अलावा अलार्म आप लगा सकते हैं, तो बैंड में ही जो है आपको अलार्म का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जो है अलार्म लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये एक नया जो ऑप्शन है वो म्यूज़िक वाला है, यानी कि आप म्यूज़िक वगैरह जो है सुन सकते हैं। तो मैं अभी आपको फटाफट से म्यूज़िक को प्ले पॉज करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको इस बैंड के थ्रू म्यूज़िक कंट्रोल करके बताऊंगा। तो उसके लिए आपको जो है राइट साइड में स्वाइप करना है, उसके बाद आप यहाँ पे प्ले पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इसके थ्रू जो है कंट्रोल हो सकता है। इवन आप जो वॉल्यूम जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम भी जो है इसके थ्रू कंट्रोल हो जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया जो चीज़ है मुझे लगी है। आपको जो है अपने फ़ोन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी के थ्रू जो है कंट्रोल कर सकते हैं। बात करो इसके अगले ऑप्शन की, तो इसमें आपको स्टॉप वॉच मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टॉप वॉच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद टाइमर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फाइंड डिवाइस मिल जाएगा, यानी कि आपका अगर डिवाइस कहीं पर रखा हुआ है नहीं मिल रहा है तो आप इसके थ्रू जो है अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया है उसके बाद देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन का जो है सायरन बजने लगा है, तो इस तरीके से जो है फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है साइलेंट ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो आपका डिवाइस है वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अली पे मिलता है, ये किसी काम का नहीं क्योंकि ये चाइना वर्जन के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंड डिस्प्ले मिलता है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप कि बहुत सारे फेसेस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी के अगर आपको फेस डाउनलोड करने या लगाने हैं तो आपको बैंड के थ्रू भी जो है आप लगा सकते हैं। उसके बाद सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आपको जो है इसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी, यानी कि ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस को भी जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है अभी, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट जो है फंक्शन इसमें ऑप्शन हमें दिया है। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन, यानी कि आप लॉक स्क्रीन को भी लगा सकते हैं, पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और इसके अबाउट में जाके इसके बारे में जान सकते हैं। तो गाइस इस तरीके की जो है फंक्शनैलिटी जो है ये बैंड दे देता है। अब बात फटाफट से कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन के थ्रू जो है हम क्या क्या कर सकते हैं। इस तरीके की एप्लीकेशन का UI आपको मिलेगा यहाँ पे डायरेक्टली 92%, यानी कि इसमें जो बैटरी है वो उसका परसेंटेज दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंड डिस्प्ले का ऑप्शन सबसे पहले दिखेगा, तो यहाँ पे जितने भी डिस्प्ले ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे, तो जिसको जो है आप थोड़ा सा ये डाउनलोड लेगा उसके बाद सिंक्रोनाइज होकर अपने आप लग जाएगा। तो मैं आपको फटाफट से एक करके बता देता हूँ।
ये सिंक होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके बैंड का जो फेस है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फेस भी जो है थोड़ी सी एक लाइक एक से दो मिनट ही लेता है डाउनलोड होने पे, और उसके बाद आप इतने सारे फेसेस को जो है लगा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की तो यहाँ पे आपको अनलॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप बैंड के थ्रू जो है अनलॉक कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स वगैरह को आपको बताना है, यानी कि आपके बैंड में अगर कोई इनकमिंग कॉल आता है तो आप इसके थ्रू जो है कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उनको मैसेज भेज सकते हैं कि आई एम बिजी, और ये वो बाय डिफॉल्ट इसमें मैसेजेस दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको इवेंट रिमाइंडर मिलता है, अलार्म आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप जो है अलार्म सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको आइडल अलर्ट मिल जाता है। मोर पे जाऊँगा तो आपको बहुत सारी और भी फंक्शनैलिटी मिलती है, लाइक गोल सेट करना और वाइब्रेट वैन अलार्म साउंड। तो इस तरीके की अलग अलग फंक्शनैलिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। एक बार इसके कैप्सूल को निकाल के देख लेते हैं और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है ये कैप्सूल देखने में लगता है। तो आपको जो है नीचे की तरफ से इस कैप्सूल को निकालना है, उसके बाद देख सकते हैं कि ये जो ग्रिप दी गई है ताकि ये जो स्ट्रैप है वो आराम से फिट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको चार्जिंग की पिन मिलेगी, तो चार्जिंग के लिए जस्ट आपको जो है इसके ऊपर इसको रख देना है और आप इसे नॉर्मली अपने पावर बैंक या फिर जो चार्जिंग अडेप्टर होता है उससे चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो है अपने पावर बैंक से इसको चार्ज करें या फिर लैपटॉप वगैरह से चार्ज करें, डायरेक्टली अडेप्टर से चार्ज ना करें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाला करंट पास करता है। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसका जो है मैं आप लोगों को वाटर टेस्ट करके बताऊंगा, तो ये जो वाटर है मैं जो है इस बैंड को डालने वाला हूं। तो गाइस देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ऑन है, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूं, तो ये जो है इसके अंदर चला गया है और ये पूरी तरीके से अंदर चला गया है। अब इसको हम फटाक से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अंदर भी जो है दिख रहा है, तो मैं इसको जो है फटाक से निकाल लेता हूं। आई होप आप लोगों को ये बैंड पसंद आया हो, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये MI बैंड 3 के बाद काफ़ी बड़ा अपग्रेड जो है Xiaomi लेकर आया है। अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में आपको बता दूं तो ये Xiaomi जो है 45 डेज़ की बैटरी लाइफ क्लेम करता है, लेकिन इसको अभी मैंने यूज़ किया अराउंड ढाई तीन दिन हुए हैं, तो अभी जो है 100% से 92% पे सिर्फ ये आया है। तो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मुझे तो दी है क्योंकि मैं फुल ऑन फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह। उसके अलावा इसका मुझे स्क्रीन भी काफ़ी कमाल का लगा है, एमुलेट डिस्प्ले के कारण इसको अगर आप सनलाइट में यूज करते हैं तो विजिबिलिटी मुझे इसकी काफी कमाल की लगी है। वाटर टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, और एक और जो सबसे अच्छी चीज लगी है मुझे इसके म्यूजिक कंट्रोल लगी है, तो आप इसको आराम से बिना फोन को टच किए म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड MI बैंड 4 से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहां पे DM कर सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको 1-on-1 कन्वर्सेशन के थ्रू आपको आपकी जितनी भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही कमेंट हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इस बैंड से रिलेटेड एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा Q&A टाइप की, जिसमें मैं आपकी क्वेरी जो है सॉल्व करूंगा। और अगर आप इस बैंड को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। और कब होगा इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन Xiaomi की तरफ से नहीं आई है, और कोई भी इंफॉर्मेशन लीक भी नहीं हुई है कि भाई इस महीने आएगा अगले महीने आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आप इसको अभी के अभी जो है परचेस कर सकते हैं, लाइक 10-15 दिन आपको लगेंगे, उसके बाद ये बैंड जो है आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।